बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम गालिबन हम रेशो के बारे में पढ़ रहे थे, रेशो फाइंड करना सिखा दिया था, चाहे वो एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, चाहे कोई गिवन पॉइंट। आज कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी एंड सी आर थ्री ट्रायंगल्स कोलिनियर पॉइंट्स। ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली थ्री कॉमा फोर एंड सेवन कॉमा सेवन। एंड लेंथ ऑफ ए सी is equal to 10 units. Find the coordinates. Find the coordinates of C. अब ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स, तो कुछ बच्चे तो सवाल पढ़ने के बाद फिगर बना लेंगे, उन्हें याद आ जाएगा। कोलिनियर पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि फौरन फिगर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि विच वन लाइज बिटवीन द अदर टू। ऐसा हो सकता है कि ए बी और सी के दरमियान हो, ऐसा हो सकता है कि बी ए और सी के दरमियान हो, ऐसा हो सकता है सी और ए बी, ए और बी के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि हम फौरन फिगर कम अज कम नहीं बना सकते, तो फिर क्या करें? बिकॉज ए इज इक्वल टू 3.4, बी इज इक्वल टू 7.7, लेट सी इज x.y, और यही आपको मालूम करना है। बिकॉज वी आर गिवन ए सी, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। आप लेंथ ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है भाई कि अगर ए बी की लेंथ ए सी से ज्यादा आ गई, यानी 10 से ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब ए एंड बी आर एक्सट्रीम्स, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। और अगर ए बी की वैल्यू कम हो गई ए सी से, अगर ए बी की वैल्यू लेस है ए सी से, यानी 10 से कम है, तो इसका मतलब ए और सी एक्सट्रीम्स हैं, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो ये खास बात थी। नाउ फाइंड लेंथ ऑफ ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ए इज फर्स्ट पॉइंट एक्स वन वाई वन, बी इज सेकेंड पॉइंट एक्स टू वाई टू। ये हो जाएगा 7-4 होल स्क्वायर प्लस 7-3 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
9 प्लस 16, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 मींस स्क्वायर रूट 25, यानी 5 यूनिट्स. लेंथ ऑफ ए बी इज 5 यूनिट्स बिकॉज लेंथ ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए बी. दिस इंप्लाइज A and C are extremes. A and C are extremities, yeah, extremes. इसका मतलब हुआ कि B lies between A and C. इसका मतलब अब आप फिगर बनाने की कोशिश कर सकते हैं. B lies between A and C. A और C extremes हो गए and B lies between A and C. और अगर Belfort's AB की वैल्यू ज्यादा आती, फर्स करें 15 आ जाती, AC की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ये होगा कि A और B extremes. इसका मतलब C lies between एंड. तो उम्मीद है कि ये चीज दिमाग में रखेंगे. अब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इस्तेमाल करें. क्यों इस्तेमाल करें ये आपको आगे पता चल ही जाएगा. अप्लाई कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. क्या है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी? सम ऑफ टू सेगमेंट्स इज इक्वल टू थर्ड सेगमेंट. अप्लाई कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यानी ए बी सेगमेंट प्लस बी टू सी सेगमेंट इज इक्वल टू ए टू सी सेगमेंट. ए बी आप फाइंड कर चुके हैं, इट इज इक्वल टू 5 और ए सी आपको गिवन है 10. इसका मतलब लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 10 माइनस 5. तो लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. अब इसका क्या फायदा हुआ? अब इसका भाई फायदा ये है कि ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ एक दूसरे के बराबर है. तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. और अगर बिल फर्स ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू बराबर नहीं होती, फर्ज करें ए बी होता 3 यूनिट, तो लेंथ ऑफ बी सी आ जाती 10 माइनस 3 7. फिर आप कहते बी डिवाइड्स ए सी विद अ रेशो 3:7. तो फर्दर कैलकुलेशन के लिए आप रेशो फॉर्मूला यूज करते हैं. यहाँ पे चूंकि दोनों सेगमेंट्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर है, इसलिए फर्दर कैलकुलेशन के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें. बी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू बी एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू. तो बी एक्स कॉमा वाई, बी आपको गिवन था, बी आपको गिवन था, ये था 7:7. ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन 3:4, सी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई तो ये एक्स टू वाई टू. इसका मतलब ये हो जाएगा 3+x/2, 4+y/2. By using property of equality of order pairs, 7 is equal to 3 plus x divided by 2 and 7 is equal to 4 plus y divided by 2. 2 ko shift karein to 14 is equal to 3 plus x. 14 minus 3 is equal to x. Iska matlab x is equal to 11.
और इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 into 4, 2 into 7 इट इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू 4 plus y, तो 14 minus 4 इज इक्वल टू y, इसका मतलब y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 10, इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट C आपसे पूछा गया था x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 11, 10। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, आप याद रखिएगा कि अगर फर्ज करें इसी क्वेश्चन में हम लेंथ ऑफ AC 10 यूनिट के बजाय 15 यूनिट दे दें, लेंथ ऑफ AC अगर 15 यूनिट दे दें तो AB तो वही 5, इसका मतलब लेंथ ऑफ BC फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 15 minus 5 यानी 10। अब AB is not equals to BC, this implies B divides AC internally with a ratio (5:10) यानी 1:2, ये कैंसिल हुआ 1:2। इसका मतलब जहां आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया वहां अब आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज नहीं करेंगे, वहां रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिविजन आप इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल हो, रेशियो फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब एक और क्वेश्चन, गालिबन क्वेश्चन नंबर जो रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 19 and 15, तो सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन सेगमेंट joining E 2, -3 and Q -4, 5. The line segment joining the points P and Q is trisected. Find the points of trisection. PQ is a line which is trisected. अगर मैं कहता कि PQ is bisected, find the point of bisection. PQ is bisected and find the point of bisection. इसका मतलब just find midpoint. Bisect का मतलब divide into two equal parts. इसका मतलब हुआ कि midpoint find करना है. मगर यहाँ कहा गया है कि PQ line segment is trisected. Trisected यानी divide into three equal parts. अब अगर फर्ज करें ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q. P is given, it is 2, -3. Q is given, it is equal to -4, 5. It is trisected. यानी इसके तीन पार्टीशंस बनाए जा रहे हैं.
तीन पार्टीशन के लिए दो पॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैंने उन्हें कह दिया ए एंड बी। भाई अगर ए है तो ए तक एक पार्टीशन है और ए से क्यू तक दो पार्टीशन, और अगर फर्स्ट करें बी को हम एज ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लें तो पी से लेके बी तक दो पार्टीशन, बी से लेके क्यू तक एक पार्टीशन। तो लेट ए एंड बी आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो दोनों एक साथ तो फाइंड नहीं किए जा सकते, दोनों एक साथ फाइंड नहीं किए जा सकते, आप वन बाय वन फाइंड कर लें, पहले ए फाइंड करें फिर बी फाइंड करें। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, E is the first point, Q is the second point, P is 2 comma minus 3, Q is minus 4 comma 5. हम पॉइंट ए कंसीडर कर रहे हैं। ए डिवाइड्स PQ in a ratio 1:2. इसका मतलब M1 is equal to 1 and M2 is equal to 2. आप ये फाइंड कर लें, AX comma Y is equal to M1 X2 plus M2 X1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So a is equal to m1, it is 1, x2 is equal to minus 4, m2 is equal to 2, x1 is 2, divided by 1 plus 2, comma, m1 is 1, y2 is equal to 5, m2 is equal to 2, y1 is equal to minus 3, divided by 1 plus 2. Now, a is equal to minus 4 plus 4 upon 3, 5 minus 6 upon 3. A is equal to 0 upon 3 minus 1 upon 3. So 0 upon 3 it is 0. A is equal to 0 comma minus 1 upon 3. Ye ho gaya first point of trisection. Ab common sense ki baat hai, jab second point of trisection lenge to ratio 1:2 ke bajaye 2:1 ho jayega. Case number 2. B divides PQ in a ratio 2:1. PQ तो वही पॉइंट्स हैं, P is first point, 2 comma minus 3, Q is second point, minus 4 comma 5 x2 y2, b is the second point of trisection. ये आपको find करना है, ratio m1:m2, it is equal to 2:1. आप फिर ratio formula use करने for finding b, b with coordinates x comma y is equal to b m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1
डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। नाउ बी इज इक्वल टू एम वन इज इक्वल टू टू, एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फोर, एम टू इज इक्वल टू वन, एक्स वन इज टू, डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, एम वन इज अगेन टू, वाई टू इज इक्वल टू फाइव, एम टू इज वन, वाई वन इज माइनस थ्री, डिवाइडेड बाय टू प्लस वन। नाउ बी इज इक्वल टू माइनस एट प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री कॉमा टेन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, इट इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन थ्री कॉमा सेवन अपॉन थ्री, माइनस सिक्स अपॉन थ्री इट इज इक्वल टू माइनस टू एंड सेवन अपॉन थ्री इट इज सेवन। इसका मतलब लाइन सेगमेंट पी क्यू को जो दो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे थे वो अगर ए और बी हैं तो आपने ए भी फाइंड कर लिया, आपने बी भी फाइंड कर लिया। ए इज जीरो कॉमा माइनस वन अपॉन थ्री एंड बी माइनस टू कॉमा सेवन अपॉन थ्री। अब एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी देख लें। ए बी क्वेश्चन नंबर 15, ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स। ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स बाय पी वन पी टू पी थ्री अपटिल पी आर अपटिल पी एन माइनस वन। इफ ए एंड बी आर respectively x1 y1 and x2 y2, then find the coordinates of PR। अब ये शक्ल से तो आपको भयानक लगा होगा, यानी कुछ ना कुछ अपनापन नजर आया होगा, लेकिन ये है भाई मेरी तरह मासूम, तो खुद गौर करें। तो ए बी फर्ज करें ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं एक्स वन वाई वन, ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं एक्स टू वाई टू। अब कहा यह गया है कि इट इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग P1, P2, up till so on, कहीं कोई पॉइंट आ जाता है PR, ये nth पार्टीशन है तो इससे पहले वाला PN माइनस वन। फिर सुन लें कि ए बी तक टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन है एन, क्वेश्चन ही में कह दिया था
कि ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस एन हो गए। इसका मतलब ये हैं पार्टीशंस एन। अब अगर मैं कहूं कि फाइंड पी वन, फर्ज करें कहा नहीं गया, फर्ज करें हम कहें फाइंड पी वन, तो पी वन के लिए रेशो हो जाएगा 1:n-1। भाई टोटल एन है पी वन के लिए, एम वन तो वन होगा, इसका मतलब रिमेनिंग वो हो जाएंगे n-1। अगर मैं कहूं फाइंड पी टू, तो एम वन तो टू हो जाएगा, एम टू हो जाएगा n-2। मैं अगर आपसे कहूं फाइंड पी टेन, पी टेन के लिए एम वन तो टेन हो जाएगा, एम टू हो जाएगा n-10। मैंने कह दिया फाइंड पी आर, फाइंड पी आर, तो इसका मतलब ये है कि पी आर फाइंड करने के लिए यहां तक तो पार्टीशंस हैं आर, तो रिमेनिंग पार्टीशंस चूंकि टोटल एन पार्टीशंस हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग पार्टीशंस हो जाएंगे n-r। तो खास बात सिर्फ यही थी कि m1 की वैल्यू r और m2 की वैल्यू n-r। इसका मतलब ए बी तो जर्नल पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, आपको पी आर फाइंड करना है, तो m1 पे तो डाउट ही नहीं है, m1 इज इक्वल टू r चूंकि टोटल n के बराबर और m1 r के बराबर, तो रिमेनिंग हो जाएगा n-r विच शोज m2। अब बाकी तो सिर्फ मजाक था, बाकी तो है सिर्फ मजाक, सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है, पी आर फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पी आर एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब आप वैल्यूज पुट करें तो सिवाय एम वन और एम टू के और कोई वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे, भाई एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन ही है, एक्स टू वाई टू या एक्स टू वाई टू ही है, सिर्फ एम वन और एम टू की वैल्यू ही तो आपको पुट करनी पड़ेगी। तो पी आर इज इक्वल टू एम वन इज इक्वल टू आर x2 as it is, m2 is equal to n-r x1 as it is divided by r plus n-r comma m1 is r y2 as it is, m2 is equal to n-r y1 as it is divided by r plus n-r। तो प्लस r माइनस r से कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर है। तो खोदा पहाड़ और क्या निकला ये तो आप जानते ही। तो पी आर is equal to r x2 plus n minus r x1 divided by m comma r y2 plus n minus r y1 divided by m। आप यहाँ रिजल्ट छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू आर एक्स टू प्लस एन एक्स वन माइनस आर एक्स वन डिवाइडेड बाई एन कॉमा
आर वाई टू प्लस एन वाई वन माइनस आर वाई वन डिवाइडेड बाय एन। आप इसे लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू एन एक्स वन प्लस आर एक्स टू माइनस आर एक्स वन। आप अगर आर कॉमन ले लें तो एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एन कॉमा एन वाई वन प्लस आर वाई टू माइनस आर वाई वन। इसमें से अगर आप आर कॉमन ले लें तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एन। आप रिजल्ट यहाँ भी छोड़ सकते हैं, रिजल्ट यहाँ छोड़ा जा सकता है, रिजल्ट यहाँ भी छोड़ा जा सकता है। तो आपको सुन के हैरत होगी कि ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उससे ज़्यादा हैरत आपको इस बात पे होनी चाहिए कि ये भी बच्चे गलत करके आ गए होंगे। तो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला था, सेकंड एक्सरसाइज में हमने मिड पॉइंट फार्मूला, रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल, रेशियो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तीन फार्मूले पढ़े। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी फार्मूले तो यही चार हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी फार्मूले यही चार हैं, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड रेशियो फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ये मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर ट्राइंगल गिवन है तो ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन नहीं, अगर कभी रेक्टेंगल की बात हो रही है तो वर्टिसेस गिवन नहीं है। आप वर्टिसेस गिवन नहीं होंगे आप समझेंगे कि क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। नहीं, वी यूज जर्नल वर्टिसेस। जर्नल वर्टिसेस ट्राइंगल के क्या होंगे, रूल क्या है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेज़ॉइड, ये पाँच छः सात आठ ज्योमेट्रीज हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर वो इम्पोर्टेंट इस हवाले से कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में, कमिंग एक्सरसाइज 2.3 में जितनी भी ज्योमेट्रीज हमने पढ़नी हैं उनकी, उनके जर्नल कोऑर्डिनेट्स का हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइमली क्लास अटेंड करें। कुछ लोग क्लास के बीच में शायद चाय वाय पीने चले जाते हैं या वाकई नेट का इशू होता होगा उनका। मेरा ख्याल में आप चाय वाय वहाँ बैठ के भी पी सकते हैं, क्लास छोड़ के मत जाया करें। बाज़ औक़ात कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है, वही अगर आप मिस कर देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि टेस्ट माशाल्लाह आप लोग अच्छा दे रहे हैं। टेस्ट में थोड़ी सी जिद्दत हम पैदा करेंगे अगले टेस्ट से, तब वो जिद्दत क्या होगी, यहाँ तो हम पढ़ ही थोड़ा सा रहे। जिद्दत यह है भाई कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े थे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जितनी भी आपने याद की थी, और इसके अलावा 360 डिग्री का टेबल, तो भैया वो मैं पूछ सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का सिंपल एप्लीकेशन या फॉर्मूले। इसी तरह 360 डिग्री के टेबल में से कोई चीज़, इसी तरह डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में से कोई चीज़। तो ये मैंने इन एडवांस आपको बता दिया है कि आप अपनी तैयारी अप टू डेट रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।